अहम खबर आप तक पहुंचाएं। आसिम सलीम बाजवा चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी के होदे से मुस्ताफी। खालिद मंसूर मुआवने खसूसी सीपैक अथॉरिटी तैनात। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तैनाती की मंजूरी दे दी। आसिम सलीम बाजवा का खालिद मंसूर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सीपैक मंसूबों पर अमल दरामद की राह मुतय्यन हो चुकी। आसिम सलीम बाजवा का ये कहना है और उनका ये भी कहना है कि इंशाल्लाह सीपैक पाकिस्तान को मुकम्मल तरक्की याफ्ता मुल्क में बदलेगा। आसिम सलीम बाजवा चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी के ओहदे से मुस्ताफी। इसी पर बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मोहम्मद इमरान से। जी मोहम्मद इमरान। जी बिल्कुल, चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी जो थे जनरल आसिम सलीम बाजवा रिटायर्ड, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने ये कहा कि मैं अल्लाह ताला का शुक्र गुजार हूँ कि उन्होंने मुझे सीपैक जैसे अहम और जो इदारा है उसके हवाले से एक वन विंडो सीपैक प्रोजेक्ट शुरू करने के हवाले से मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी। उन्होंने कहा कि ये मुमकिन नहीं था कि अगर मुझे वजीर आजम और उनकी जो हुकूमत है उनकी मुकम्मल सपोर्ट ना हासिल होती। उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि सीपैक अथॉरिटी को कुरान चढ़ाने में भी जो है वो मदद मिली। उन्होंने कहा कि जो सीपैक जो है वो पाकिस्तान का सबसे अहम मनसूबा है और सीपैक मनसूबों पर अमल दरामद की राह मुतय्यन हो चुकी है और पाकिस्तान जो है वो जल्द एक प्रोग्रेसिव और तरक्की याफ्ता मुल्क की फहरिस्त में शामिल हो जाएगा। तो उन्होंने इस हवाले से जो है वो सीपैक चेयरमैन अथॉरिटी के चेयरमैन के ओहदे से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उनकी जगह पे जो है वो खालिद मंसूर को जो है वो मामून के तौर पे तैनात किया गया है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद इमरान।